लाइव। नमस्कार, मैं सनी तुसीर और अभी हम आपको नरेला के वार्ड नंबर 5 से सभी के सभी वार्ड नंबर 5 एक से 5 तक की पूरी डिटेल जो है वो लाइव कवरेज में हम देने वाले हैं कि अब तक कौन आगे चल रहा है। शुरुआत करते हैं नरेला के वार्ड नंबर 1 से। फिलहाल नरेला के वार्ड नंबर 1 से अभी तक राउंड 1 की जो है वो काउंटिंग हुई है और उसमें बीजेपी को 1289 वोटें मिली है और आम आदमी पार्टी को 1852 वोटें जो है वो अभी तक मिली है। अब बात करते हैं बाकनेर की, तो बाकनेर में फिलहाल बीजेपी 1270 से आगे 1270 जो है अभी तक वोट मिली है और आम आदमी पार्टी को 2143 वोट मिली है, जिसमें से आम आदमी पार्टी जो है वो बाकनेर से लगातार बढ़त बनाए हुई है। अलीपुर की ताज़ा जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं, अलीपुर में जो है वो बीजेपी को अभी तक 609 वोटें मिली है और आम आदमी पार्टी को 2678 वोटें वो मिली है। फिलहाल बाकनेर से अलीपुर से भी लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं बख्तावरपुर जो कि वार्ड नंबर 5 से है, वहाँ से बीजेपी जो है वो लीड बनाए हुए है। बीजेपी को अभी तक 1813 वोटें मिली है और आम आदमी पार्टी को 1552 वोटें वो अभी तक मिल पाई है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें और लाइव कवरेज जो है वो हम आपको नरेला के 1 से 5 वार्ड के सभी डिटेल जो है वो आपको दे रहे हैं। जितने भी दर्शकों को डिटेल चाहिए होती है वो लगातार जो है वो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर बताते रहे कि 1 से 5 तक के वार्ड की किसको कितनी डिटेल चाहिए। और हम अभी फिलहाल बाकनेर की बात करते हैं। हम बाकनेर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे आनंद खत्री जी और उनको अभी तक 596 वोटें मात्र अभी तक मिल पाई है। फिलहाल विनोद भारद्वाज को 1270 वोटें मिल पाई है और दिनेश भारद्वाज को 2143 वोटें ये मिल पाई है। ये फिलहाल राउंड 1 की काउंटिंग जो है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। राउंड 1 की काउंटिंग में अभी तक सिर्फ और सिर्फ बख्तावरपुर से ही बीजेपी जो है वो लीड बनाए हुए, नहीं तो अन्य हर जगह से आम आदमी पार्टी को जो है वो बढ़त मिलती नजर आ रही है। सिर्फ बख्तावरपुर से बीजेपी लगातार लीड में है। ताज़ा जानकारी के लिए लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे और लगातार जो है वो आपसे बातचीत करते रहेंगे। एक बार फिर मैं जो है वो आपको आंकड़े बता देता हूँ। नरेला वार्ड नंबर 1 फिलहाल राउंड 1 की काउंटिंग, बीजेपी 1289, आम आदमी पार्टी 1852। फिलहाल आम आदमी पार्टी यहाँ से वार्ड नंबर 1 से बढ़त बनाए हुए है। बाकनेर से लगातार आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए 2143, बीजेपी 1270। अलीपुर से बीजेपी जो है वो काफ़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अलीपुर से बीजेपी को मात्र 609 वोटें जो है वो अभी तक फर्स्ट राउंड में मिली है। आम आदमी पार्टी को 2678 भारी बढ़त के साथ जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो अलीपुर से आगे चल रही है। फिलहाल बख्तावरपुर में हालांकि जो है वो 200-300 वोटों का यहाँ फर्क नजर आ रहा है। बीजेपी 1813 वोटों से आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 1552। हालांकि ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन बीजेपी जो है वो बख्तावरपुर से लगातार बढ़त बना रही है। बाकनेर में माना जा रहा था कि आनंद खत्री जो है वो लगातार बढ़त बनाएंगे कांग्रेस से, लेकिन अभी तक बाकनेर में आनंद खत्री को मात्र 596 वोट मिली है, 600 तक ही पहुंच पाई है। उसके बाद अगर देखा जाए तो विनोद भारद्वाज जो कि बताया जा रहा था कि टक्कर जो है वो बड़ी जोरदार होने वाली है, लेकिन विनोद भारद्वाज को मात्र अभी तक 1270 वोटें मिली है और दिनेश भारद्वाज को 2143 वोटें वो यहाँ से मिल गई है। भारी बढ़त के साथ दिनेश भारद्वाज जो है वो बाकनेर वार्ड से आगे चल रहे हैं। ये लाइव तस्वीर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। हाँ जी भैया, क्या कर रहे हो बताओ, बोलो। आम आदमी पार्टी से दिनेश भारद्वाज बाकनेर वार्ड नंबर 2 से जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे। फिलहाल अभी बढ़त बनाए हुए है दिनेश भारद्वाज जी। लामपुर से भी विजय पाई है उन्हें, लामपुर से 1000 वोटों से आगे चल रहे थे, 1000 वोटों से। अब बाकनेर से भी बढ़त में रहेंगे, दिनेश भारद्वाज जी जीते। अभी फिलहाल ये लाइव तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे थे और अभी फिलहाल एक अपडेट हो रहा है वार्ड नंबर तीन से बीजेपी 1093 वोट जो है वो बीजेपी के साथ है और आम आदमी पार्टी के साथ जो है वो 1394 वोटें है वो आम आदमी पार्टी के साथ है। वार्ड नंबर 3 की भी डिटेल जो है वो हम आप लोगों से बता रहे हैं कि बीजेपी का, हालांकि बता रहे थे कि वार्ड नंबर 3 में अर्चना जी वो लगातार बढ़त बनाएगी, लेकिन अब की बार अर्चना जी भी जो है वो पीछे पछड़ती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी को 1093 वोट यहाँ से मिल रही है और आम आदमी पार्टी को 1394 वोट है वो ऐसे मिल रही है। लगभग बताई जा रही है कि 300 वोटों का जो है वो फर्क है।
संजय कॉलोनी की बात करें, संजय कॉलोनी की अगर बात करें तो सेकंड राउंड जो है वो चल पड़ा संजय कॉलोनी में। अभी तक केस रानी नील धवन खत्री को 1153 वोटें मिली है और श्वेता खत्री को 1708 वोटें। संजय कॉलोनी से भी लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नरेला के B4 से, और B4 में जो है वो नरेला के पांचों वार्डों की काउंटिंग वो यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल संजय कॉलोनी में बताया जा रहा था कि संजय कॉलोनी में जो है वो यहाँ से बीजेपी बढ़त बनाएगी, लेकिन यहाँ से भी आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी को पछाड़ते हुए नजर आ रही है। अच्छा, एक और अपडेट आई हमारे पास यहाँ पर, जिसमें वार्ड नंबर 1 से अभी फिलहाल की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें जो है और लाइव काउंटिंग जो है, टोटल वोटें जो है वो 3402 टोटल वोटें हो रही है। 3402 वोट जो है वो टोटल हो चुकी है, जिसमें से उषा देवी को 25, केसरानी को 1385, निर्मला को जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी उसको मात्र 60 वोटें जो है वो अभी तक मिली है, और श्वेता खत्री को 1896 वोटें वो उनसे बढ़त बनाई हुई है। अच्छा, कई व्यक्ति ऐसे भी थे नरेला में जिन्होंने अपनी वोट किसी को दी ही नहीं, नोटा पर अभी तक 32 वोट जो है वो नोटा पर डली है, और रिजेक्टेड जो वोट रिजेक्ट हुई है वो 4 वोटें भी वो नरेला के वार्ड नंबर 1 से हुई है। टोटल वोट 3402 अभी तक नरेला वार्ड 1 में ये हुई है। अच्छा, दूसरी तस्वीरें राउंड वन की तस्वीरें है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ बाकनेर वार्ड नंबर 2 है, और यहाँ पर लगातार जो है वो दिनेश भारद्वाज बढ़त बनाए हुए हैं। दिनेश भारद्वाज की लगातार बढ़त से जो है वो बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि टक्कर मान रहे थे, लोगों का कहना था कि बीजेपी वो भारी बहुमत से विजय बनाएगी बाकनेर वार्ड नंबर 2 में, लेकिन अभी तक जो है वो लगातार पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ये अगर फासला भी हम आपको बताएं तो लगभग 700 वोटों का फासला राउंड 1 से ही आम आदमी पार्टी के दिनेश भारद्वाज जी वो आगे चल रहे हैं। ये अभी तक की डिटेल जो है वो हमने आप लोगों को दी है, और लगातार इसी तरीके से लाइव डिटेल जो है वो देते रहेंगे। हालांकि भारी पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर लगा रखी है, तैनात कर रखी है। कोई भी प्रत्याशी अगर जीतता है या हारता है तो हमारे चैनल की ओर से सिर्फ एक ही निवेदन रहेगा कि वो आपस में किसी भी प्रकार का कोई द्वेष की भावना न रखे, किसी भी प्रकार का कोई हिंसा वाला कार्य ना करे। फिलहाल अगर हिंसा होती भी है तो यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है। ये फोर्स इसलिए तैनात की गई है कि किसी प्रकार की कोई भी हिंसा ना हो, अगर होती है तो उससे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान सदैव तत्पर खड़े रहते हैं। लगातार आप लोग सोचते होंगे कि इलेक्शन के समय में सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशी ही चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इनका चुनाव जो होता है, इनकी जो जवानों की ड्यूटी जो होती है वो दिन रात ऐसी होती है कि वो भूल जाते हैं खाना पीना, घर जाना, इनके लिए भी एक बड़ी बात है। फिलहाल दूसरी अपडेट जो है वो भी हम आपको बताएंगे, लाइव तस्वीरों के जरिए हम आपको पूरी अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल वार्ड नंबर 1 नरेला राउंड 2 की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, और राउंड 2 में बीजेपी 2538 और आम आदमी पार्टी 3604 वोटों से आए, देख सकते हैं 3604 अभी भी आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। वार्ड नंबर 1 राउंड 2 की काउंटिंग वो लगातार शुरू हो चुकी है, जिसमें बीजेपी को अभी तक 2538 वोट मिली है और आम आदमी पार्टी को 3604 वोट जो है वो अभी तक मिली है। ये हम आपको वार्ड नंबर 1 नरेला से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर 1 से 5 तक की वार्डों की जो है वो काउंटिंग यहां पर हो रही है। हालांकि जो शुरुआती रुझान निकले थे, शुरुआती बैलेट बॉक्स में जब निकाले गए थे तो उन सब में ज़्यादातर बता रहे थे कि बीजेपी बढ़त बना हुए है। नरेला वार्ड नंबर 1 से जब बैलेट पेपर ओपन हुआ तो उसमें लगातार बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए थे, लेकिन जैसे ही ईवीएम मशीन खुलती है तो ईवीएम मशीन के खुलते ही आम आदमी पार्टी लगातार शुरू से ले अभी तक की जो है वो बढ़त बनी हुई है, जिसमें से ताज़ा अपडेट मैं आप लोगों को तक पहुँचा रहा हूँ कि ताज़ा अपडेट में फिलहाल बीजेपी केस रानी नील दमन खत्री को अभी तक 2538 वोट वो मिल चुकी है, आम आदमी पार्टी को 3604 वोट वो मिल चुकी है। ये हम नरेला वार्ड नंबर 1 से दिखा रहे हैं। वार्ड नंबर 2 से लगातार जो है वो वार्ड नंबर 2 से लगातार आम आदमी पार्टी बढ़त बने हुए है, और आम आदमी पार्टी को दिनेश भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी को 2143 वोट फर्स्ट राउंड में मिली, और अभी तक सेकंड राउंड की जो है वो ईवीएम मशीन अभी तक बाकनेर वार्ड से अभी तक खुल नहीं पाई है। हालांकि राउंड 1 में दिनेश भारद्वाज
वो लीड बनाए हुए हैं। बात करें बख्तावरपुर की, बख्तावरपुर वार्ड नंबर 5 की, वहां पर बताया रहा बीजेपी सॉलिड कैंडिडेट है और सॉलिड कैंडिडेट की वजह से बख्तावरपुर में अभी तक बीजेपी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी को 300 वोटों से पिछाड़ती हुई जो है वो आम आदमी पार्टी पीछे है। फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है 300 वोटों से। वार्ड नंबर 3 की भी अगर बात करें, वार्ड नंबर 3 में हालांकि ये पूरा का पूरा जे क्लस्टर एरिया जो है वो वार्ड नंबर 3 होलंबी कला में दे दिया है और यहां से आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है 300 वोटों से, जिसमें से बीजेपी को 1093 वोटें मिली हुई है, आम आदमी पार्टी को 1394 वोटें वो यहां से मिली हुई है वार्ड नंबर 3 होलंबी कला। जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं वो खबर को शेयर अवश्य कीजिए। ये देखिए तालियों के साथ जश्न भी मनाना जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। शायद बीजेपी जो कि बख्तारपुर वार्ड नंबर 5 से जो है, ये लाइव तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ से शुरू हो चुकी है। जितने भी दर्शक जुड़े हैं वो तस्वीरें जो है वो वीडियो जो है वो लगातार शेयर जरूर करते रहिए। अगर आपको वार्ड नंबर 1 से 5 तक की पूरी डिटेल जो है वो आपको चाहिए हो तो वार्ड नंबर दो से एक बार फिर जो है राउंड नंबर 2 में आम आदमी पार्टी दिनेश भारद्वाज जी वो भारी बढ़त से आगे चल रहे हैं। दिनेश भारद्वाज को लगभग 4000 वोट जो है वो मिल चुके हैं, 3976 वोटों से दिनेश भारद्वाज आगे चल रहे हैं और बीजेपी को जो कि विनोद भारद्वाज थे उनको 2134 वोटें ही मिल पाई अभी तक। तो देख सकते हैं बढ़त लंबी हो चुकी है आम आदमी पार्टी की, काफी बढ़त जो है वो बढ़ती जा रही है। कांग्रेस आनंद खत्री को जो है वो 1294 वोटें ही अभी तक मिल पाई है, जिसकी लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। राउंड वन में जो है वो पहले 1093 और आम आदमी पार्टी 1394। वार्ड नंबर 2 में जो है वो अब राउंड 2 हो चुका है। वार्ड नंबर 2 यानी कि बाकनेर वार्ड नंबर 2 बीजेपी 2134, आम आदमी पार्टी 3976, कांग्रेस 1294 वोटे। आम आदमी पार्टी जो है लगातार बढ़त बनाते हुए 4 वार्डों में से आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बना रही। सिर्फ एक वार्ड जो कि बख्तावरपुर है, वार्ड नंबर 5 है, वहां से सिर्फ बीजेपी आगे चल रही है, अन्यथा नहीं तो चारों के चारों वार्ड 1 से लेकर 4 वार्डों तक लगातार आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। और बख्तावरपुर में लग रहा है कि जनता देवी जो कि बीजेपी कैंडिडेट थी उनको लगातार जो है वो बढ़त मिलती हुई और भारी बढ़त जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। जितने भी दर्शक खबर को देख रहे हैं खबर को शेयर अवश्य कीजिएगा। फिलहाल देख सकते हैं भारी पुलिस बल जो है वो यहां पर लगाया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई भी हिंसा न हो और अगर कोई हिंसा होती भी है तो उससे निपटा जो है वो जा सके, इसलिए पुलिस जवानों की भारी बटालियन जो है वो यहां पर लगाई गई है और लगातार फ्लैग मार्च जो है वो यहां पर किया जा रहा है। फिलहाल आम आदमी पार्टी चारों सीटों से आगे है, चारों सीटों से बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 1 सीट से बढ़त बनाए हुए है। नरेला के 5 वार्डों की डिटेल जो है वो लगातार हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि लाइव तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं और जितने भी दर्शक खबर को देख रहे हैं वो खबर को शेयर अवश्य करें। डीसीपी आ गया। एक बार फिर मैं आपको शुरू से ले अब तक की पूरी डिटेल जो है मैं आप लोगों तक साझा करूंगा, शुरू से ले अभी तक पूरी डिटेल जो है वो आप लोगों तक एक बार फिर दोबारा से साझा करूंगा। वार्ड नंबर 1 नरेला राउंड 1 बीजेपी 1200 निवासी, आम आदमी पार्टी 1852, कांग्रेस अगर बाकनेर राउंड 1 बाकनेर वार्ड नंबर 2 की बात करें तो बाकनेर से जो है वो बीजेपी 1270, आम आदमी पार्टी 2143, लगातार जो है वो 104 तक आम आदमी पार्टी की जो है वो बढ़त बन रही है। अलीपुर से राउंड 1 की बात करें, अलीपुर में बीजेपी जो है वो 609 और आम आदमी पार्टी 2678। बख्तावरपुर की बात करें, बख्तावरपुर में बीजेपी आगे चल रही है 1813, आम आदमी पार्टी 1552। फिलहाल भारी पुलिस फोर्स यहां पर लगा दी गई है और ताजा अपडेट के लिए लगातार आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वार्ड नंबर 3 अर्चना बीजेपी की प्रत्याशी है, वार्ड नंबर 3 अर्चना बीजेपी की प्रत्याशी है 2697 और नेहा मिश्रा 3636। लगातार वार्ड नंबर 3 में जो है वो वहां से भी आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। फिलहाल देख सकते हैं कि लगातार जो है वो पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। नरेला
काउंटिंग सेंटर के बाहर डीसीपी साहब खुद मौके पर मौजूद है और भारी पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया गया है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी होती है, कोई भी हिंसा होती है, तो उससे निपटने के लिए जो है ये भारी पुलिस बल यहां पर तैनात की गई है। वार्ड नंबर 1 की एक बार फिर ताजा जानकारी के साथ अपडेट करवाते हैं। वार्ड राउंड 2 की काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। बीजेपी 2538, आम आदमी पार्टी 3604, बीजेपी 2538 और आम आदमी पार्टी 3604 लगातार जो है वो 1100 वोटों से आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है नरेला वार्ड नंबर 1 से। जितने भी दर्शक खबर को देख रहे हैं, खबर को शेयर अवश्य करते रहिएगा। एक बार फिर वार्ड नंबर 2 बाकनेर, वार्ड नंबर 2 बाकनेर से आपको ताजा जानकारी से रूबरू करवा देते हैं। आनंद खत्री को अभी तक 596 वोटें मिली है, राउंड 1 की बात बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद आपको अगर जानकारी दो, दिनेश खत्री को 2143 वोटें, जो दिनेश भारद्वाज को 2143 वोटें मिली है, विनोद भारद्वाज को 1270 वोटें मिली है। जो भी दर्शक खबर को देख रहे हैं, खबर को शेयर अवश्य कीजिएगा। और अपडेट देने के लिए जो है वो थोड़ी देर का समय लगेगा। जैसे ही अपडेट आती है वैसे ही हम आप लोगों को दोबारा फिर रूबरू करवाएंगे और 1 से 5 वार्डों की पूरी काउंटिंग जो है वो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। जितने भी दर्शक खबर को देख रहे हैं, खबर को शेयर अवश्य कीजिए और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है वो दिल्ली समाचार टीवी के साथ दोबारा जुड़ने का प्रयास करिए।